तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यार मुकेश एडिटर। तो गाइस यार, आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ यार कि फोटो को किस तरह से एडिट किया जाए। तो यार नज़रें बनाए रखिएगा यार, कहीं भी मत जाइएगा यार। बकचोदी को करते हैं यहाँ पे ख़त्म और हम आते हैं यार अपने स्केचबुक में। तो गाइस सबसे पहले मैंने यार एक बैकग्राउंड डाउनलोड किया हुआ है, तो उसको हम पहले स्केचबुक में ऐड कर लेते हैं गाइस। तो चलो, हमारा यहाँ पे बैकग्राउंड ऐड हो चुका है गाइस। और जिस फोटो पे हमको यार मतलब ये बैकग्राउंड लगाना है, तो हम उस फोटो को ले लेते हैं यार सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने अपना गैलरी खोल लिया है और हमको ये वाला फ़ोटो लगाना है, फर्स्ट नंबर वाला। तो इस फोटो को गाइस आप अपने हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा कि आपको कितने पे रखना है। चलिए, हमारा फ़ोटो यहाँ पे हमने सेट कर लिया है और अब हम हो गया। तो चलो गाइस, अब हमको जाना है यहाँ पे ब्रश वाले आइकन पे, ठीक है। थोड़ा स्वाइप अप करके इसको नीचे लाइएगा और कहाँ, ये लेजेसी मिल गया। और गाइस यहाँ पे ये जो है 8वें 9वें नंबर वाला ब्रश, चौड़ा वाला, उसको कर लेना है। अमाउंट को गाइस हमको 90 पे कर लेना है और साइज़ पे हम जितना मर्जी रख सकते हैं। तो चलो गाइस, अब हम इसको इरेज करके दिखाते हैं। गाइस ये हमारा बैकग्राउंड इरेज हो रहा है फ़ोटो का, और जो हमको अपना रखना है बैकग्राउंड वो हो सकता है। तो यार यहाँ पे मैंने वीडियो को फास्ट कर लिया है, अगर पूरा करते रहेंगे तो पता चलेगा कि 1 घंटे की वीडियो बन जाएगी गाइस। तो मतलब आप एकदम अच्छे से कर लेना यार, सही से, धीरे धीरे से, बिल्कुल बढ़िया होता है गाइस एकदम यार। तो गाइस अब हम इस फोटो को लेके आए हैं यार स्नैपसीड में। तो गाइस सबसे पहले ना हम इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे यार। तो ब्राइटनेस हमने +5 रख लिया और कॉन्ट्रास्ट को +10, और अब हम सैचुरेशन बढ़ाएंगे यार। तो सैचुरेशन हमारा यही +54 रख लिया हमने, और एम्बियंस हमारा 50, और हाइलाइट्स भी थोड़ा सा करेंगे यार 23, और शेडो भी हमने थोड़ा सा बढ़ा लिया है गाइस। तो चलो यार, मतलब ये ना कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं यार जिससे ना हमारी फ़ोटो थोड़ी क्लियरिटी में आ जाती है यार। तो गाइस अब हम इसको डन कर लेते हैं यार और चलते हैं अपने दूसरे स्टेप पे। तो गाइस जो शेयर वाले के बगल में दूसरे नंबर पे हमको जाना है, फिर उसके बाद व्यू एडिट्स में जाना है, फिर उसके बाद ट्यून इमेज पे क्लिक करना है, तो दूसरे नंबर वाले ब्रश पे हमको जाना है गाइस। उसके बाद से जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर वाला क्रॉस वाले के बगल में जो आपको दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। तो गाइस अब आपको फोटो दिखने लगेगा, और इसको ना अब आपको अपने हिसाब से इरेज कर लेना है। जो भी मतलब ये चेहरा है जहाँ जहाँ पे ये लाल लाल हुआ है, इसको आप इरेज करके मतलब अच्छे से इरेज कर लीजिएगा धीरे धीरे से। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, और गाइस अब मैं इसकी ना थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देता हूँ यार, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे ये स्पीड बढ़ रहा है यहाँ पे। तो मैंने गाइस यार मतलब जल्दी जल्दी कर लिया, लेकिन आप धीरे धीरे से करिएगा यार, क्योंकि मेरे को तो एक्सपीरियंस है और आप अभी नए नए सीख रहे, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा गाइस। तो गाइस हम आ गए हैं अपने तीसरे स्टेप में, और इसमें ना यार हम फोटो को काले से गोरा करेंगे। तो हम यहाँ पे चलेंगे यार सेलेक्टिव में, और सेलेक्टिव में जाने के बाद यार जहाँ जहाँ काला है ना, तो वहाँ पे मतलब उसको स्कैन करना है। पहले तो हम पूरे फेस को ले लेते हैं ना, क्योंकि अभी पूरा फेस ही काला है। तो इसको हमने थोड़ा सा बी किया, और सैचुरेशन थोड़ा सा हम कम कर देंगे गाइस। और जो ब्राइटनेस है ना, उसको देखो गाइस मैंने कितने पे रखा है, और अच्छे से जहाँ जहाँ आपको काला दिखे ना, मतलब वहाँ पे बढ़िया तरीके से मतलब उसको स्कैन करके अच्छे से उसका ब्राइटनेस बढ़ा लेना है, और सैचुरेशन को बिल्कुल कम से कर देना है। तो देखिए गाइस, जहाँ जहाँ काला था मैंने वहाँ पर कर लिया है यहाँ पर, और मेरा एग्जैक्ट मतलब हो ही गया है गाइस। तो चलो मैं यहाँ पर इसको प्रिपेयर कर लेता हूँ, डन कर लूँगा। तो गाइस यहाँ पर ये मेरा हो गया। अब मैं गाइस इसको ले जाऊँगा लाइट रूम में, जो कि यार सबसे ब्रह्म अस्त्र है यार फोटो को, जो क्लियरिटी होता है ना, जो जीवन दान देता है, वो लाइट रूम ही है गाइस। चलिए भाई लोग, बकचोदी को करते हैं यहाँ पे ख़त्म, और जो सामने अच्छा सा थोबड़ा दिख रहा है उसको लेके आते हैं हम अपने होम स्क्रीन पे, और बढ़िया से आपको दिखाते हैं किस तरह से एडिट करना है गाइस। तो सबसे पहले चलो हम चलते हैं यार, इसको थोड़ा ना लाइट बढ़ाते हैं। तो गाइस एक्सपोजर है ना, इसको हल्का सा बढ़ाना है एक स्टेप, जिससे 0.10 हो गया गाइस मेरा। आप उससे थोड़ा सा कम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना गोरा रखना है यार, वो आपके पे डिपेंड है। जितना भी हमको लाइट रखना था उतना हमने रख लिया है, और हम थोड़ा अपने शेडो को बढ़ा रहे हैं यार। तो गाइस मैं तो अपना शेडो रखूँगा यार 40 पे। तो चलो मैं यहाँ पे 40 पे कर लेता हूँ। और गाइस जो वाइट्स है ना, उसको हमेशा मतलब माइनस में रखना, फोटो के हिसाब से रखना है गाइस। अगर जिसमें एक बार उसको कम भी करके देख लेना, और ज़्यादा भी करके देख लेना क्या सूट कर रहा है। तो ब्लैक और वाइट को मैंने यहाँ पे माइनस में रखा हुआ है। और गाइस अब हम आ गए हैं कलर में। तो कलर में जाने के बाद यार मिक्स वाले बटन पे क्लिक करना है, और उसके बाद से अब यहाँ पे आ जाएगा यार जो हमारा बैकग्राउंड में जितने भी आपको कलर दिख रहा है ना यार, इसका ये फ़ायदा होता है कि यार हम इससे अपनी सैचुरेशन कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, और इससे ना यार थोड़ा बैकग्राउंड बढ़िया लगता है गाइस। तो चलो हम सबसे पहले अपने रेड वाले को हमने कर लिया है, उसका हमने सैचुरेशन हल्का सा माइनस किया था और ल्यूमिनेंस को प्लस किया था। तो ऑरेंज वाले में भी सेम हम वही करेंगे। ऑरेंज वाले का ये फ़ायदा होता है ना, इससे ना यार फेस पे थोड़ी सी लाइट आ जाती है, जिससे फोटो थोड़ा सा बढ़िया लगता है। और चलो हम अपने अगले कलर पर चलते हैं, पीले वाले पे। तो गाइस इसका ना सैचुरेशन हम हल्का सा बढ़ा लेंगे, और गाइस जो सामने हरा वाला कलर है, इसका ना हम हल्का सा माइनस कर लेंगे गाइस। तो चलते हैं अब हम यार जो उसके आगे आपको वायलेट कलर का दिख रहा है, उसका हम सैचुरेशन ना थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे, क्योंकि ना हमारे बैकग्राउंड में थोड़ा सा ना मध्यम सा आ रहा था, जिसकी वजह से हमने नीले वाले को थोड़ा सा बढ़ाया, और हमारा बैकग्राउंड अब थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है। तो गाइस अब उसके बाद हम आएंगे इफेक्ट में।
और इसमें सबसे पहले टेक्सचर को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इनको ना यार थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाना है, अगर ज़्यादा करोगे ना तो फोटो मतलब यार बिल्कुल आपकी थोड़ी सी क्लियरिटी कम हो जाएगी उसकी और फटने लगेगी गाइस। तो गाइस सामने आपको जो एरो वाला दिख रहा है ना उस पर जाएंगे हम और रेडियस को अपना हल्का सा बढ़ाएंगे गाइस, और मास्किंग को भी ना हल्का सा बढ़ा लेंगे, और ये नॉइस रिडक्शन भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, और डिटेल को थोड़ा सा ज़्यादा में रखना गाइस, और ये कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का सा, और स्मूथनेस को गाइस बिल्कुल 100 पे कर देना, क्योंकि यार फोटो जितनी स्मूथ होगी उतनी बढ़िया लगेगी। तो चलो गाइस अब हमारा यहाँ पे फोटो मतलब यार अच्छे से तैयार हो गया है, और अब हम इसको ना मतलब देख रहे हैं थोड़ा इसमें क्या क्या हुआ है। तो उसके साइड में चलेंगे गाइस हम ऑप्टिक्स में, जो सामने आपको एक भोंपू के टाइप का दिख रहा है तो उस पर अब हम क्लिक करेंगे गाइस। तो इसमें जो भी दोनों बटन है ना गाइस उसको हम इनेबल कर लेंगे यार। तो हमारा ये फोटो यहाँ से सेव हो चुका है, और हम इसको ले चलेंगे गाइस स्केचबुक में, और यहाँ पे तो यार मेन काम तो यहाँ पे है गाइस, जो भी फोटो यार जितनी भी फटती है ना उसका बाप है ये, इससे ना यार हम किसी भी फोटो को मतलब बढ़िया से स्मूथ कर सकते हैं। तो गाइस चलो बकचोदी को कर देते हैं ख़त्म, और चलते हैं अपने मुद्दे पे हम यार, जो हमको करना है यहाँ पे इस फोटो की एकदम यार क्लियरिटी लानी है, स्मूथ करना है इसको। तो गाइस चलो अब हम जो सामने आपको दिख रहा है ना गाइस तीसरे नंबर पे अच्छे से एक पेन टाइप का आपको दिख रहा होगा उस पर क्लिक करना है गाइस। तो हम यहाँ पे कर देते हैं उसको जल्दी से। तो गाइस हमने यहाँ पे इस पर पेन वाले पे क्लिक कर दिया है, और इसमें अब हम गाइस सबसे मेन चीज़ होता है ब्रश चूज़ करना गाइस। तो आपको इसमें स्मज पे आना है गाइस, और गाइस इसमें ये जो कितने 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर वाला गाइस आपको ये ब्रश ले लेना है, जिससे जो कि मैं यूज़ करता हूँ और इससे बहुत ही बढ़िया होता है गाइस, तो मैंने वही आपको बताया। और इसमें ना गाइस फ्लो सबसे मेन है, कभी भी गाइस फ्लो 100 मत कर देना, नहीं तो फोटो आपका बन जाएगा अमेरिका वालों की तरह और लगोगे आप एकदम लंगूर। तो गाइस फ्लो को रखना है हमेशा 1 से लेकर 5 के बीच में, ठीक है ना, और स्ट्रेंथ कम ही रखना है, और साइज़ ना यार आपको अपने हिसाब से करना है, जहाँ जहाँ वो मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ पे साइज़ कैसे होगा। तो हमने यहाँ पे अपनी सेटिंग ये कर ली हुई है, और आगे अब हम फोटो में। तो गाइस सबसे पहले ना फोटो को हल्का सा जूम करना है, और जहाँ पे मतलब जो गोरा पोर्शन होगा ना गाइस वहाँ से हमको उसको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो वहाँ से हम धीरे धीरे, आपको दिख रहा होगा मैं धीरे धीरे से अपना बढ़िया से साइज़ को थोड़ा सा कम करके कर रहा हूँ, और गोरे गोरे से करके मैं अपने पहले यहाँ पे काले वाले एरिया में आऊँगा, जिससे कि हमारा हमको यही तो मिटाना होता है गाइस, इसमें फ़ोटो को मतलब बढ़िया से करना होता है, कोई बोल ना सके कि आपका फ़ोटो फटा हुआ है, इसमें धब्बा सा दिख रहा है, इसको स्मूथ यहीं से होता है गाइस। तो मैंने आपको बढ़िया से दिखा दिया है अच्छे तरीके से साइज़ को, साइज़ भी बहुत डिपेंड करता है गाइस, ये नहीं कि जहाँ पे काले एरिया पे आपने बड़ा साइज़ करके मार दिया तो फिर वो वहाँ पे थोड़ा काला काला सा हो जाएगा, तो वहाँ पे हल्के साइज़ में बढ़िया से करना। मैंने अपने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लिया है, क्योंकि यार आपको पहले भी उसी वक्त से मैं बोल रहा हूँ कि अगर पूरा आपको करके दिखाते रहेंगे तो मेरा दिन रात लग जाएगा यहीं पे, और 1-2 घंटे की वीडियो बन जाएगी, तो गाइस आप भी बोर हो जाओगे यार और बोलोगे क्या बकचोदी किए जा रहा है उसी वक्त से। तो चलो यहाँ पे हमने फास्ट कर लिया है, और गाइस जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया सा फोटो यार एकदम बढ़िया सा स्मूथ हो गया और एकदम मस्त लग रहा है गाइस। तो हमारा ये शर्ट ना वाइट दिख रहा है, अब हम ना इसको थोड़ा इसका कलर चेंज करेंगे। तो गाइस उसके लिए हम एक लेयर बनाएंगे, जो कलर वाले के साइड में आपको एक रेक्टेंगल टाइप का ये दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आई वाला आ गया, उसके बाद सॉफ्ट लाइट पे जाएंगे गाइस, और ये अब हमको एक लेना है ब्रश गाइस, ठीक है ना। तो ब्रश वाले पे जाएंगे, और ट्रेडिशनल में गाइस जो दूसरे नंबर के ऊपर वाला ब्रश था उसको हमने ले लिया है। और गाइस कलर ना आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसे मैंने ब्लू लिया है, आप कोई भी कलर ले सकते हैं अपने मतलब जैसा भी आपका कपड़ा हो, जो भी आपको बढ़िया लगे आप कोई भी कलर ले सकते हैं। तो गाइस अब मैं यहाँ पे इसको कलर कर दूंगा अच्छे से, और मैंने वीडियो को यहाँ पे भी फास्ट कर दिया है गाइस, क्योंकि यार ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गाइस। तो हमारा यहाँ पे शॉर्ट हो चुका है कलर, और इसकी ना यार हम हल्की सी ऑप्सिटी कम कर देंगे, नहीं तो पूरा वो नीला ही हो जाएगा, अब ये बढ़िया सा लग रहा है गाइस। तो इसको अब हम कर लेंगे सेव, और अब हम इसको ले जाने वाले हैं पिक्सआर्ट में। तो चलो यार इसको सेव कर लेते हैं, यार थोड़ा सा ये लोडिंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस यहाँ पे। तो गाइस अब ये हमारा सेव हो चुका है, और अब हम इसको लेके आ गए हैं पिक्सआर्ट में। तो जो गाइस आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे टूल्स का ऑप्शन, उसमें जाना है, और उसके बाद आपको वहाँ पे दिखेगा यार तीसरे नंबर पे गाइस स्ट्रेच वाला ऑप्शन, जिस पे हमने क्लिक कर दिया है। और इसका ये फ़ायदा होता है ना गाइस, हम अपने बालों को ना मतलब यार छोटे से बड़ा कर सकते हैं, किसी भी शेप में कर सकते हैं गाइस। तो हमने साइज़ अपने हिसाब से रख लिया है गाइस, और इसकी पावर कितनी हमको करनी है उतनी। तो पहले फ़ोटो को थोड़ा सा जूम कर लेना है, और जहाँ जहाँ से बाल आपको ऊबड़ खाबड़ टेढ़े मेढ़े जैसे भी लग रहे हैं ना गाइस, उसको बढ़िया से कर लें, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपको यार बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है गाइस इसके इस टूल्स के कारण। तो यहाँ पे हमने धीरे धीरे कर लिया है, और गाइस एकदम यार धैर्य के साथ करना है, इसमें कोई भी जल्दबाजी नहीं, अगर ज़्यादा इधर उधर हो जाएगा तो लगने लगोगे लंगूर गाइस। तो एकदम बढ़िया इससे फोटो होता है यार। तो गाइस आपको जैसा कि दिख रहा है हमने बाल को बड़ा कर लिया। तो अब हम इस फोटो को लेके आ जाते हैं स्नैपसीड में, और अब इसके बाद जो होगा वो आपको पता चली जाएगा गाइस।
और यहाँ से ना हम इसका पहले जहाँ जहाँ थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है ना उसको फिर से हम बढ़िया से थोड़ा सेलेक्टिव में जाकर जो आपको हमने पीछे स्नैपसीड में बताया था थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लेंगे और सैचुरेशन को थोड़ी सी कम कर देंगे गाइस। तो अब हम जाने वाले हैं इसके बाद डिटेल में, और डिटेल में यार आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक स्ट्रक्चर का और एक शार्पनिंग का। तो स्ट्रक्चर को हमने हल्का सा बढ़ा लिया है और शार्पनिंग को भी हमने यही 30-40 के बीच में रख लिया है गाइस। तो हमारा यहाँ पर ये डन हो चुका है और अब ना बस थोड़े से स्टेप्स और बचे हैं गाइस, तो ज़्यादा चिंता मत कीजिए। तो शेयर वाले के बगल में जो एरो दिख रहा है उस पे जाना है गाइस, उसके बाद से हमको जाना है व्यू एडिट्स में, और व्यू एडिट्स में जाने के बाद डिटेल्स में जाना है और सेकंड नंबर वाले ब्रश पे क्लिक करना है गाइस। तो जो डिटेल आपको दिख रहा है ना उसको बीच में उसको 100 कर लिया है हमने, और उसके बाद बालों पे, आईब्रो पे और हमारी जो दाढ़ी है, नहीं दाढ़ी नहीं सॉरी गाइस मूंछ पे हमको इसको चला लेना है गाइस। तो जिससे ना ये जो बाल है, आईब्रो है और ये मूंछ है इसकी ना मतलब क्लियरिटी अच्छी हो जाएगी। जैसे देख रहे हो आप गाइस ये एकदम बढ़िया से चमकने लगा है, हम इसको जैसे जैसे उसके ऊपर स्क्रब कर रहे हैं ये बढ़िया से एकदम चमकने लगा है। तो देख रहे हो हमने आईब्रो पे ये हल्का सा किया तो कितना बढ़िया से चमकने लगा, और ये दूसरे वाले आईब्रो को भी कर लेते हैं हम, और ये हमारी मूंछ आहा क्या ताव दे रही है गाइस। तो ये भी गाइस एकदम बढ़िया से चमकने लगा है, यहाँ पे हमारा ये हो गया है। अब हमारा ना यार लास्ट स्टेप बचा है, अब हम ना इसको ले जाएंगे टूलविज में, जिससे कि ना हम इसको बालों को, आईब्रो को, इन सबको ना हम स्मूथ कर सकते हैं। तो हम इसको सेव कर लिया है यहाँ पर और अब हम जा रहे हैं अपने टूलविज, कहाँ पर है गाइस, मिल जा हाँ। तो गाइस हमको टूलविज मिल गया और हमने यहाँ पर इसको ऐड कर लिया है। तो सबसे पहले अफेक्ट्स में जाएंगे, दूसरे लाइन में आपको दिख रहा होगा गाइस सबसे लास्ट में सॉफ्ट में जाने के बाद से, उसके बाद से ये जो तीसरे नंबर वाला है ना, तीसरे नंबर पर पे क्लिक करना है और अपने बालों पे उसको जूम करके हल्का हल्का सा स्क्रब करना है। तो जैसे कि गाइस आपको दिख रहा है कि ये अब स्मूथ होने लगा है गाइस, और एकदम बढ़िया लगने लगेगा यार, एकदम अच्छा सा लगेगा आपको ये स्मूथ करने के बाद। तो हमने यहाँ पे इसको कर लिया हुआ है और ये बढ़िया से हो गया है। तो गाइस आप एकदम धीरे धीरे से करना है यार हमको, मतलब प्रैक्टिस है तो हम जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। और अब हम अपने करेंगे इसको आईब्रो पे नहीं करेंगे गाइस, ये तीसरे नंबर पे लेने के बाद फिर से हम उसमें जाएंगे दूसरे नंबर वाले पे, फिर दूसरे वाले से हम करेंगे अपने मूंछों को, क्योंकि तीसरे नंबर वाले से अगर करते ना तो यार ये थोड़ा सा बिगड़ जाता है और दूसरा वाला थोड़ा सा हल्का होता है उसके कारण से ये बढ़िया से होता है। तो हमने अपने मूंछों को भी कर लिया है। तो भाई लोग अब ये हमारा फ़ोटो यार एकदम बढ़िया से तैयार हो गया यार। तो यार जितना हमको मेहनत लगा ना यार ये वीडियो बनाने में, तो यार एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना यार, इससे हमको यार कुछ नहीं होता है, बस थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और हम अपने यार कोशिश करते हैं वीडियो और अच्छे से बनाएंगे।